अस्सलाम वालेकुम वीकली मिरर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट उमेरा। उम्मीद करती हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो कि ट्यूलिप बैंक्वेट में मुनक्किद किया जा रहा है। व्यूअर्स, दिस एक्सपो हैज टू ऑफर अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ फर्नीचर विच इज़ बीइंग ऑफर्ड एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस अंडर वन रूफ। यहाँ पर मोर देन टॉप 50 ब्रांड्स मौजूद हैं जो अपने फर्नीचर्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो आइए अंदर चल के इन ब्रांड्स और इनके ऑर्गेनाइजर से बातचीत करते हैं कि इस एक्सपो का क्या एम है, इनका फर्नीचर दूसरे फर्नीचर से कैसे मुख्तलिफ है और क्या नए लाइफस्टाइल ट्रेंड्स प्रमोट किए जा रहे हैं। इस वक्त हम इंटरवर्ड के एक सीनियर सेल्स ऑफिसर के साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम जान शेर है। आप मुझे यहाँ अपने आज जो आप प्रमोट कर रहे हैं एक्सपो, प्लीज़ उसके बारे में बताएं, अपने ब्रांड के बारे में बताएं। जी बेसिकली जो इंट्रोड है ये स्टार्ट हुआ था 1970 अर्लीज में। पहले तो हम लोग डील कर रहे थे वार्डरोब्स, किचन वगैरह ना। अभी हमने एक्सपेंशन की है काफ़ी टाइम से, जिसमें हमारा लाइफ वेयर आता है, जिसमें बेड्स, जितने भी आपके होम रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो होते हैं हमारे पास, प्लस हमारा ऑफिस का भी हो गया। लेकिन करेंटली हम जो इधर अभी कर रहे हैं, ना हम किचन डोर वार्डरोब कर रहे हैं ना ही ऑफिस कर रहे हैं, इधर हम सिर्फ लाइफ वेयर को। जी, जिसमें हमारे पास बेड की रेंज है काफ़ी, सोफ़ा सेट है, बाकी ना डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह हैं। तो आप लोग की प्राइस रेंज वगैरह बाकी ब्रांड से कंपेरेटिवली कितनी अफोर्डेबल है और क्वालिटी ऑफ फर्नीचर के बारे में आप कुछ बताएं? मैम, अगर टारगेट मार्केट को हम देखें ना, हमारे लो इनकम से लेकर ना हाई लेवल तक हमारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कस्टमर की जो है नीड्स को देखते हुए हमने प्राइसेस सेलेक्ट किए हैं। जो हमारा नॉर्मल बेड सेट है तकरीबन 50,000 से स्टार्ट होकर ना तकरीबन 250 तक भी जाते हैं ड्रेसर मिरर के साथ। जी बिल्कुल। गेम टू नो के यहाँ पर 40% ऑफ भी है इस एक्सपो पे फर्नीचर ब्रांड्स पे? जी मैम, काफ़ी ब्रांड्स पे है 40%, लेकिन हमारा ना एक अलग किस्म का एक लगा हुआ पैकेज जिसको हम ब्राइडल कैंपेन कहते हैं। उसमें आप अपना मर्जी का पैकेज बना सकते हैं, कोई भी चीज़ें आप ऐड करती जाएंगी, आपका डिस्काउंट का जो रेशो होता है ना वो बढ़ता जाएगा। जो ब्राइडल कैंपेन आप लोग प्रमोट कर रहे हैं जिसका आपने अभी मुझे बताया, वो हर तबके के लिए अफोर्डेबल है, मतलब आप अपनी मर्जी से उसमें ऐड अप कर सकते हैं और? जी बिल्कुल मैम, इसमें ना आर्टिकल्स की डिफरेंट रेंज है, प्राइस रेंज, उसमें आप कोई भी आर्टिकल अपनी मर्जी का जो आपको मतलब बेहतर लगे वो आप ऐड कर सकते हैं। फर्दर जो भी चीज़ आप ऐड करते जाएंगे ना, इस तरह डिस्काउंट ना बढ़ता जाएगा, कोई लिमिटेड आर्टिकल नहीं है, मतलब ओवरऑल हर चीज़ पे आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपसे बात। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। इस वक्त हम चाइनीज़ क्राफ्ट्समैन के असिस्टेंट कॉर्पोरेट मैनेजर के साथ मौजूद हैं, अब इनसे इनके ब्रांड के बारे में कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम हमजा। हमजा, प्लीज़ टेल अस अबाउट योर ब्रांड। चाइनीज़ क्राफ्टमैन बेसिकली जो है वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड है, जो कि हम लोग ने इटालियन ब्रांड भी लेके लॉन्च किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि विलोसो इटालियन एक बहुत बड़ी चेन है जिसकी हम लोगों ने फ्रेंचाइज ली हुई है यहाँ पे, और आज हम लोग इनोवेशन लेके आए हैं। ब्रास की चीज़ें हम लोगों ने आज फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन में रखी हैं, जो कि अभी तक नहीं आई एग्जीबिशन में इन पिछले 8 साल से। तो हम लोग ये हैं, लीडिंग पावर है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंटेज भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमारी सेल भी बहुत अच्छी बूस्ट हो रही है। अब ये है सर, आप लोग वुडन के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स भी प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी मटीरियल? वुडन के अलावा हमारे पास ब्रास में है हर चीज़। उसकी फीडबैक कैसी आई है? उसकी फीडबैक भी बहुत अच्छी आई है, क्योंकि इस्लामाबाद का जो क्लाइंट है वो एलीट क्लास हैं सारी, वो स्टैंडर्डाइज हैं, वो इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा फीडबैक है। आप लोग की टारगेट ऑडियंस फिलहाल से इस्लामाबाद ही, मतलब अदर देन दिस एक्सपो आप लोग की टारगेट ऑडियंस और कहाँ कहाँ है? हमारे यहाँ कराची में हमें बहुत अच्छी सेल थी, उसके बाद देन लाहौर में, फिर देन अब इस्लामाबाद में। जी ये है हमारी टारगेट ऑडियंस जो होती है, यही बिग सिटीज़ होते हैं जो कि हैं इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया एंड लाहौर हो गया। आप सिंस बता रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ में आपका मौजूद है, तो लाइफस्टाइल ट्रेंड्स में आपने क्या फ़र्क देखा है फर्नीचर के लिहाज से हर सिटी में? लाइफस्टाइल ट्रेंड्स में हमने यही देखा है कि वुडन्स के अलावा कुल्टिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा है ब्रांड्स, ठीक है, उसके अलावा ब्रास में, लेकिन लाइफस्टाइल में जो है अमूमन काफ़ी ब्रांड्स हैं जिन्होंने ब्रास में नहीं रखी हुई चीज़ें, ठीक है, हम लोगों ने इस पर एक्सपोजर किया है। दिस मेक्स योर ब्रांड यूनिक, आप ये बताएं? यस यस ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच आपसे बात। इस वक्त हम क्रिएटिव सॉल्यूशंस के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम है सरोज खालिद। अच्छा, आप प्लीज़ अपने ब्रांड के बारे में हमको बताएं। मैम, हमने 2006 में स्टार्ट किया था एज अ क्रिएटिव सॉल्यूशन, ऑफिस फर्नीचर में हम लोग डील करते हैं,
हम लोग तीन चीज़ें कवर कर रहे हैं, जैसे आपने हमारे पीछे फ्लैक्स लगी हुई है उसमें आपने देखा होगा, इसमें एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, एक ऑफिस फर्नीचर है, ठीक है, और इसमें फिर तीसरी चीज़ जो है वो टर्नकी सॉल्यूशंस है। टर्नकी सॉल्यूशंस में जो है वो सारा कुछ ही आ जाता है, इसमें आप ग्रे स्ट्रक्चर से ले कर ठीक है एंड तक जो आपकी सीलिंग है, फ्लोर वर्क है, फर्नीचर है, एक्स वाई जेड जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी इसमें हम कवर कर रहे हैं, जिसको हम टर्नकी सॉल्यूशंस कहते हैं। और हमारा डिस्प्ले सेंटर जो है वो लाहौर में है, कैवेलियर ग्राउंड के ऊपर हम लोकेट करते हैं। और आपने क्या बताया कितने साल से आप लोग हैं? हमें तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं इस फील्ड में। और आप लोग की टारगेट ऑडियंस कौन कौन से सिटीज़ में? मैम हमारे वैसे तो ओवरऑल हम पूरे पाकिस्तान को ही कवर कर रहे हैं, हम मोस्टली हमारे जो मेजर क्लाइंट्स हैं या आपके हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर को ही हम टारगेट करते हैं। रेजिडेंशियल वगैरह में अभी हम लोगों ने जंप इन नहीं किया, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारा प्रोग्राम है जैसे जिस तरफ ट्रेंड जा रहा है तो हम भी शायद कुछ लॉन्च करें इन फ्यूचर इंशाल्लाह होम फर्नीचर में। तो अब मैं आपसे आपकी ऑफिस चेयर्स के बारे में पूछूंगी कि आजकल एक बड़ा हेल्थ का इशू आता है कि पोस्चर का प्रॉब्लम आता है, तो उसमें कुछ रोल जो है हम लोग की चेयर्स भी प्ले कर रही हैं, क्योंकि लीन हो जाता है बंदा कभी कभी, अनकंफर्टेबली बैठा हुआ होता है, तो उसमें आपकी जो ब्रांड है क्रिएटिव सॉल्यूशंस वो किस तरीके से इसको कैटर कर रही है? मैम इसमें आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बेसिकली 3-4 चेयर्स हैं जो हम लोगों ने भी इम्पोर्ट किए हैं और बाकी भी जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसमें जैसे अब कोरियन जो मैकेनिज्म है जिसमें लोअर बैक से लेके अपर बैक तक सपोर्ट का एक पूरा है, हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली वो चेयर यहाँ पे भी डिस्प्ले में रखी नहीं हुई, ठीक है। हैं हमारे पास वो चेयर्स ऐसी जिसमें आपकी लोअर बैक के लिए, अपर बैक के लिए, आर्म्स के लिए और जो आपका बॉडी पोस्चर सही करने के लिए जो आजकल चेयर्स आ गई हुई हैं, बिट एक्सपेंसिव मगर वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं और यूज़ भी कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। वैसे अमूमन जो चेयर्स हैं वो आपके सामने पड़ी हुई हैं, हमारे पास हैं काफ़ी वैरायटीज़। आप अगर ओवरव्यू लें एक तो हर कलर की है, हर डिज़ाइन की है, और कुछ ऐसी हैं जिसमें लोअर बैक को सपोर्ट है अपर को नहीं है। अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं तो कितनी अफोर्डेबल है आप लोग की प्राइस रेंज एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स? मैम अगर तो आप हमारे कंपेटिटर्स को देखें तो उनके लिहाज से तो हमने इस एक्सपो में काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि प्राइसेस जो हैं हम लेस रखें, और हमने रखी भी हुई हैं। इवन जो हमने टैग प्राइस लिखी हुई है आफ्टर डिस्काउंट, कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हमारे पुराने भी हैं और जिनसे हम नेगोशिएट करके उनको हम मैक्सिमम डिस्काउंट देने की कोशिश कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक अच्छी कोशिश है कि हम डील एक क्लोज करके जाएँ और सेल्स ऐसे ज़्यादा करके जाएँ यहाँ पर इस एक्सपो में। स्टैंडिंग विद द डायरेक्टर ऑफ इंटीरियर इनसाइट, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला है और आई एम द डायरेक्टर ऑफ इंटीरियर इनसाइट। वी स्टार्ट दिस कंपनी अ ईयर अगो, जिसमें हम लोग ने इंट्रोड्यूस करे थे रिक्लाइनर्स, मसाज चेयर्स, सोफ़ा कम्बेड्स। तो ये इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये नीच मार्केट के लिए होते हैं, तो हमने इधर लाए हैं, इम्पोर्ट करे हैं फ्राम डिफरेंट कंट्रीज, सो दैट हम यहाँ पे प्रमोट कर सकें कि भाई दिस कुड बी योर लिविंग रूम सेटअप जिसमें आप रिक्लाइनर्स कर सकते हैं, टू नॉर्मलाइज दीज प्रोडक्ट्स। फिर इसके अलावा हमने अभी रिसेंट है कि हमारा पेंटिंग्स में भी आ गया इंटरेस्ट, फिर हमने किड्स फर्नीचर उसमें किड्स बेड आ गया, आपके न्यू सोफ़ा चेयर्स आ गई, तो मोर लाइक इंटीरियर इनसाइड इज़ नाउ ग्रोइंग, क्योंकि हमने लास्ट टाइम अभी लाहौर में एक्जीबिशन किया था, दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम इन इस्लामाबाद, वी आर बेसिकली फ्राम कराची and we're looking forward to open different outlets in different cities of Pakistan. So, aap log ki target audience kaun kaun hai? Hamari target audience jo hai pura Pakistani hai, kyunki humne har wo cheez introduce karni hai jo ki aam log chahiye hoti hai, jo ki achhi prices pe ho. Hamari ye prices koi high nahi rakhte taki sabke liye affordable ho, sabke liye aasan ho buy karne ke liye, aur jo ki with trend chal rahi ho. जो रिक्लाइनर्स की आपने बात की, ज़्यादातर हम सिनेमा सलून वगैरह में, तो लोग घरों में भी अब इसको प्रेफर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आप जब पूरे दिन काम करके जब थक के वापस घर आते हो तो यू नीड अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू सिट इन एंड वॉच टीवी और समथिंग लाइक दैट। सो जब आपके पास इस तरह की जब 3-seater, 2-seater के ऑप्शन होंगे कि आप लिविंग रूम में लगा सको, तो इंसान सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपने या तो लिविंग रूम में होता है रूम सेटअप, और हमारे पास दोनों जगह के लिए जो है रिक्लाइनर्स अवेलेबल हैं। मतलब कॉम्पैक्टनेस भी है, कॉम्पैक्ट भी हैं, आप चाहें तो रॉकिंग भी ले लें, मतलब कि हर वैरायटी हमारे पास सबसे ज़्यादा है इन सब में। अच्छा, आप मुझे फर्नीचर के ट्रेंड्स पे अगर हम बात करें, डिफरेंट सिटीज़ में क्या वेरिएशंस आपने देखी? व्हाट वी सॉ इज़ के कराची में हमने जब इंट्रोड्यूस करा था, सो हमें रिस्पांस शुरू में नहीं मिला था, बट
विद टाइम लोग जब नॉलेज देखते हैं, जब मार्केट होती है इस चीज़ की, तो फिर वो इस चीज़ को समझने लगते हैं. और फिर जाहिर है बाहर के मुल्कों में दीज आर गेटिंग वेरी कॉमन, तो इधर भी ये कॉमन उसी सूरत में होते हैं जब ये अच्छी प्राइस पे ऑफर हो रहे हों. सो दैट्स व्हाट वी आर एमिंग टू डू एंड दैट्स आवर विजन. बेसिकली आप लोग अफोर्डेबल प्राइस रेंज में इसको ऑफर कर रहे हैं. एग्जैक्टली, अफोर्डेबल प्राइसेस में हमारा प्रमोट करने का इरादा है. आपका अब इस एक्सपो पे कैसा एक्सपीरियंस रहा है और क्या फीडबैक आई है? एक्सपो पे हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है. वी स्टार्टेड फ्रॉम कराची, देन हमने लाहौर में करा, और फिर दिस टाइम इन इस्लामाबाद वी केम विद गन्स ब्लेजिंग कि भाई हम लोग को बड़ा स्टॉल रखना है टू गेट मोर मार्केट, गेट मोर प्रोडक्ट्स, गेट न्यू. ये एडिशन ऑफ पेंटिंग्स का जो है, जो ये चेयर्स का है, ये हमारी जो स्टाइल होम डेकोर की जो है, हमने ये अभी इस्लामाबाद के लिए स्पेशल इंट्रोड्यूस करी है. तो विद टाइम हम ग्रो ही कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट एग्जीबिशन इंशाल्लाह फैसलाबाद में होगा, तो हम उधर भी पार्टिसिपेट करेंगे. ट्रेडिशंस आर्ट एंड फर्नीचर की प्रमोटर राबिया के साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक. वालेकुम सलाम, आप सुनाएं, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र. अच्छा, प्लीज़ राबिया अपने ब्रांड के बारे में हमको बताएं और आपका ब्रांड बाकियों से कैसे मुख्तलिफ है ये बताएं. हमारा ब्रांड बाकियों से बहुत मुख्तलिफ है, इस वजह से कि इसमें मतलब हर मतलब लिहाज से मतलब परचेज कर सकता है. बाकी हैंडमेड में भी है और घरेलू यूज़ के लिए, आम रूटीन के लिए भी यूज़ हो जाता है. वॉलनट वुड फर्नीचर के मैनेजिंग पार्टनर के साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, उमर. जी उमर, प्लीज़ आप अपने ब्रांड के बारे में हमको बताएं और व्हाट मेक्स योर ब्रांड डिफरेंट ये भी प्लीज़. हमारी एक्चुअली ये वॉलनट जैसा कि नाम है, तो हमारी स्पेशलिटी इसमें यही है कि हम लोग वॉलनट वुड में काम करते हैं. और मेरा ख्याल है कि हम जिस रेंज में, जिस ह्यूज क्वान्टिटी में, और जो वर्कमैनशिप है हमारी और जो फिनिशेज हैं वॉलनट के अंदर, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा इस तरह से काम. ये जो हमारे पास वॉलनट वुड है, ये हमारी लोकल पाकिस्तान की है. पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, ये वहाँ से सोर्सिंग है. मेन हमारी सोर्सिंग है दीर वाले एरिया से, ठीक है. और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, वो हमारा मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहावलपुर में है. फिनिशिंग का यूनिट जो है वो लाहौर में है, आउटलेट भी हमारा लाहौर में. बेसिकली हम लाहौर बेस्ड कंपनी आप बेसिकली कह सकते हैं. आप लोग की जो टारगेट ऑडियंस है वो इस्लामाबाद, लाहौर, हर शहर में? जी एक्चुअली हम लोग, ये हमारा छठा इवेंट है एग्जीबिशन के हवाले से. हम लोग कराची में डिस्प्ले कर चुके हैं, लाहौर में हमने अभी लास्ट ये पिछले मंथ में अगस्त में किए, अभी इस्लामाबाद में है, फिर फैसलाबाद में भी अभी जा रहे हैं हम. तो ये इस्लामाबाद में हमारा दूसरा इवेंट है. ऐसा आपको लगता है लोगों का रुझान ज़्यादा जो आप बता रहे हैं कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है इन टर्म्स ऑफ फर्नीचर अगर हम बात करें? ये पिछले आप अगर देखें लास्ट 10 ईयर्स में हमारे मतलब इंटीरियर सेंस बहुत ज़्यादा आई है लोगों के अंदर. और फिर हमारा जो लिविंग स्टाइल है इस वक्त, छोटे घरों में जा रहे हैं जिस तरह से, उसमें मोस्टली लोग जो है ना वो प्रेफर करते हैं कि हम लोग स्ट्रेट लाइंस में जाएं. इसमें ये स्ट्रेट लाइंस में ये है कि एक आपको वाइड लुक फील होती है थोड़े एरिया के अंदर में, ठीक. फिर इसको ख़वातीन प्रेफर इसलिए करती हैं कि कार्विंग ना होने की वजह से उन चीज़ों को मेंटेन रखना उनके लिए आसान होता है, वो इसलिए प्रेफर करती हैं. वन लास्ट क्वेश्चन, हाउ अफोर्डेबल इज योर ब्रांड? ये अफोर्डेबल है जी. मेरा ख्याल है कि हम मिड लाइन में खेल रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा उसमें जा रहे हैं ना अपर प्राइस. मेरा ख्याल है कि मेरी पर्सनल एनालिसिस है, मैंने विजिट्स किए हैं यहाँ पे दूसरे भी आउटलेट्स, तो हमारी जो प्रोडक्ट है उस हवाले से हमारी प्राइसेस बड़ी इकोनॉमिकल है, ठीक है. Thank you.
نہ صرف آپ کو انڈر ون روف ڈفرینٹ فرنیچر وتھ ڈفرینٹ افورڈیبل پرائس رینج پرووائڈ کرتے ہیں بلکہ آپ کی سینس آف ایستھیٹک آپ کے لائف اسٹائل ٹرینڈ اور آپ کے فرنیچر میں ویریشنز اور اویئرنیس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور ہماری ایپیسوڈ کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ہفتے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.